हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सैमसंग ने आज अपना सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में वो स्मार्टफोन की सारी स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग आपको बता देता हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ पहले जाकर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले को। तो इसमें हमें 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है और साथ ही साथ हमें 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो नो डाउट सैमसंग ने यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इसमें हमें एकदम हाई क्वालिटी वाली डिस्प्ले मिल जाती है। अगर हम प्रोसेसर की बात करते तो इसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 5G वाला प्रोसेसर मिल जाता है। ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है और इसमें हमें पूरे 11 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, जबकि हमें पता है कि थोड़े ब्रांड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 5G बैंड्स देते हैं, लेकिन यहाँ पर सैमसंग ने तो पूरे 11 5G बैंड्स दिए हैं। तो इसके लिए भी सैमसंग को बहुत बड़ा थम्स अप। और अगर हम कैमरास की बात करें तो इसमें पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें कि मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, और हमें सामने की तरफ हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो कैमरा भी यहाँ पर अच्छा खासा सैमसंग ने दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं बैटरी की। तो इसमें हमें पूरे 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और ये स्मार्टफोन में हमें 25W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन बॉक्स में मुझे लगता है सैमसंग ने सिर्फ 15W का चार्जर ही दिया होगा। सैमसंग को ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम एक स्मार्टफोन में 25 या 26 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं तो फास्ट चार्जर तो डेफिनेटली बॉक्स में देना चाहिए। और अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं, हमें टोटल 2 वेरिएंट में मिल जाता है, 6128 और 8128। अगर हम 6128 की बात करते हैं, ये हमें 30,000 में प्राइस रेंज में मिल जाता है, और अगर हम 8128 की बात करते हैं, ये हमें 32,000 में मिल जाता है। लेकिन ये स्मार्टफोन अगर आप अमेज़ॉन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में लेते हो तो आपको सिर्फ 27,000 में मिल जाता है, यानी कि पूरे 3,000 रुपये डिस्काउंट की प्राइस रेंज में ये मिल जाता है। अगर तो मेरे ख्याल से दोस्तों, अगर आपका बजट 25 और 30 के बीच में है तो ये स्मार्टफोन की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया पैकेज सैमसंग ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है हम लोगों के लिए, तो आप ये स्मार्टफोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। दोस्तों, आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, इसकी स्पेसिफिकेशन कैसी लगी, प्राइसिंग कैसी लगी, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट पर लिखकर बता देना। और दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।